नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप किसान साथियों। आज एक किसानों की ज़रूरत की चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा है जैसा हम पशु हमारे पास है, सभी के पास पशु हैं, पशुधन रहता है, तो क्या होता है तीन चार प्रॉब्लम पशुओं में आमतौर पर देखी जाती हैं। एक तो चींचड़ी, चिंचड़ बोलते हैं जिसे, और एक मक्खी और कुछ डांसी वगैरह भी लगती हैं इसमें। तो किसान साथियों, आज मैं एक दुकान पर से, मेडिकल स्टोर पर से ले आया गाय के, हमारी जो गाय है अभी मैंने वीडियो डाली थी, ये अभी भी आई थी, इसका बछड़ा हो रहा उधर, तो इसका मक्खियाँ देखेंगे बहुत ज़्यादा लगे। तो मक्खियों के लिए मैं जो लाया मेडिकल स्टोर से, आप देखेंगे ये एक सोप है, इसका नाम है किलर मेडिकेटेड सोप। इसमें आप देखेंगे जो चित्र बन रहे मक्खी, चिचड़ी, चिंचड़ और जो डांस वगैरह है सबके इसमें बन रहे। तो आज मैं इसे क्या करना, किस तरीके से उसने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा। तो किसान साथियों देखो, ये कुत्ते के लिए कुत्ता बना हुआ इस पर, और एनिमल्स के लिए किसी के भी हो, मान लो इसके बाल है तो हम क्या करेंगे, उसने थोड़ा तरीका बताया मुझे लगाने का। इसे पहले नहला देंगे, सारे शरीर गिल्ला कर देंगे, और गिल्ला करने के बाद फिर इसे मैं इस्तेमाल करूँगा साबुन को, और फिर देखते हैं, फिर थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसे दोबारा नहलाऊँगा, धुला दूँगा वो साबुन जो लगाई थी उस पर। तो किसान साथियों, अब जब मैं इसे निलाता हूँ फिर मैं प्रयोग दिखाता हूँ और क्या रिजल्ट रहता है आपको मैं शेयर करूँगा। देखो कितनी मक्खी लग रही है। किसान भाइयों एक विषय ध्यान रखें, गर्मी है तो इसमें क्या है, जैसा धूप में बंधा रहे थोड़ी देर या गर्मी लगे जैसे पशु को, तो तुरंत उसके ऊपर पानी ना डाल लें। अगर ऐसा करते हैं तो पशु का जो है सरद गर्म होने का खतरा बना रहता है। तो उससे पहले पानी पीने दें, दो चार घूंट उसके पेट में जाने दें, तब उसका शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठंडा सा हो जाए, तब आप उसके बाद ही उसके ऊपर पानी डाल दें। देखो अब जब पानी पी रही है तो अभी मैं रहने देता हूँ। कट्टा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं रगड़ने के, मैल वगैरह कुछ भी हो जैसे गोबर चिपका रहे थोड़ा थोड़ा, आप इसमें ब्रश भी ले सके कोई कपड़े धोने का बड़ा। तो ये कट्टा है, ये ज़्यादा कट्टा नहीं है, आराम से इसका जो सॉफ्ट मैल है वो आराम से लगता है।
तो दोस्तों मैंने सारे हर जगह से गिल्ली कर दी है, नहला दी। तो अब जब आ रही है इसकी भी वो सॉप इस्तेमाल करने की साबुन, ये जो है किलर। आप ये काम सुबह कर सकते हैं जब सुबह ही पशु को नहलाओ। और एक विषय ध्यान रखें, आंखों पे ना लगने दें साबुन को। तो दोस्तों मैं साबुन लगा चुका है, अब जा थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देता हूँ मैं, ताकि ये अपना काम कर ले। और मैं बता दूँ किसान भाइयों, जो इसका साबुन का रेट है इस पर 90 रुपये लिखा हुआ, आप देखेंगे 90 रुपये MRP है इसका। 2023 तक ये वैलिड है, यानी कि एक्सपायरी डेट इसके 2023 है। तो दोस्तों मैंने इसे पहले नहलाया, फिर साबुन सारे शरीर पर लगा दिया, और 10-15 मिनट हो गए मैंने छोड़ कर रखी अभी। अब जा क्या है, अब जब मैं इस पर दोबारा पानी डाल दूँगा और ज़्यादा रगड़ने का नहीं, और पानी डाल के फिर मैं सुखाने का इंतज़ार करूँगा और देखूँगा मक्खी बैठती है या नहीं। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने इसे अभी ये गाय नहलाई साबुन वगैरह लगा के, सब कुछ ठीक है, मक्खी इतनी है नहीं अब जा। और सुबह के जब धूप से निकलती है, धूप निकलने के बाद 9 बजे पूरी मक्खियाँ निकलती है, फिर नहलानी पड़े, और शाम के टाइम लगती है तीसरे पैर जब घास करें। मक्खियाँ असल में ये जब ज़्यादा आती हैं घास पर, जब घास पर हम इनका राशन पानी डालते हैं, धोवन हो, बिनोड़ा हो, जैसा तीरा हम पका कर डालते हैं इसे गुड़ वगैरह, तो उस पर मक्खी ज़रूर आवे घास पर, तो वो पशु का भी लगे। तो इसलिए मैंने साबुन लाया था, वो बाबू जी लाए थे उसे, तो वो लगाई मैंने इसको। अब जब बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका, कहीं पहले भी यूज कर चुका मैं, तो आप भी देखें यूज करके। वो साबुन मैं जैसे मैंने दिखाई, उसका ऐड तो मैं कर नहीं रहा, लेकिन लेकर आया था इसलिए मैंने सोचा मैं किसान भाइयों को ज़रूर दिखाऊँगा ऐसी कोई चीज़ हो। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। यदि आपके पास सुझाव हैं उन्हें, यानी कि आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हो, यानी कि पशुओं के बारे में या खेती के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कोई नई बात हो। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।